मरीज का नाम रमेश लोंढे, उम्र 42 साल, सांगली के रहने वाले। पहली बार जून 2016 में परेशानी हुई, जी मचलने की, पेट दर्द की और भूख ना लगने की। मुझे शुरुआत में उल्टियां होना, जी मचलना जैसी परेशानी होती थी। अंदाजन जून 2016 से ये परेशानियां शुरू हुई और ये सब क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा था। तब घर वालों ने कहा कि पित्त वगैरह हुआ होगा इसीलिए हो रहा होगा, लेकिन लगातार एक 10-12 दिन से मैं इसकी वजह से परेशान हो रहा था। उन्हें शरीर में बहुत कमजोरी आ गई थी, अपने आप चल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने एलोपैथिक डॉक्टर से इलाज करवाना शुरू किया, फिर भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा यूरिया और क्रिएटिन बढ़ा हुआ है। उन्हें कुछ संदेह था तो उन्होंने सबसे पहले सोनोग्राफी करवा लेने को कहा। सोनोग्राफी के लिए उन्होंने मुझे सांगली के एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में जाने के लिए कहा। टेस्ट के रिपोर्ट्स आ जाने के बाद उनके चिकित्सक ने उन्हें कहा कि उनकी बाएं किडनी 35-40% बिगड़ चुकी है। जुलाई 2016 के मरीज के रिपोर्ट्स के अनुसार उसका क्रिएटिनिन बढ़कर 8.5 हो गया था और ब्लड यूरिया बढ़कर 155 हो चुका था और हीमोग्लोबिन कम होकर 6.4 हो गया था। उनकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स देखने के बाद एक प्रतिष्ठित नेफ्रोलॉजिस्ट ने उन्हें कहा कि उनकी दोनों किडनियां निष्क्रिय हो चुकी हैं। डॉक्टर ने वो सारे रिपोर्ट्स देखे और उन्होंने कहा कि आपकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। इसके बाद मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। बीपी चेक करने के बाद 250 पर मेरा बीपी पहुंच चुका था। डॉक्टर ने उस वक्त मुझे बताया नहीं कि मेरा बीपी इतना बढ़ चुका है। सिर्फ डॉक्टर ने इतना ही कहा कि इन्हें मैं तत्काल मीरज के नामांकित हॉस्पिटल में भेज रहा हूं, तो आप समय बर्बाद मत कीजिए, तुरंत एडमिट कीजिए। मरीज को 9 महीनों तक हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवाना पड़ता, फिर भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं दिख रहा था। तुरंत तो मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन थोड़े समय के बाद समझ में आया कि डायलिसिस क्यों करवाते हैं। डायलिसिस की प्रक्रिया शुरू हुई और बहुत ही दर्दनाक था वो सब, क्या बताऊं। 4 घंटों की प्रक्रिया थी वो, पर क्या करता, आखिर जान बचानी थी तो सहता रहा और 9 महीनों तक मेरा डायलिसिस लगातार चलता रहा। अब उन्हें ज्यादा लक्षण महसूस होने लगे, जैसे कि भूख पूरी तरह से बंद हो गई और कमजोरी बहुत बढ़ गई। आखिरकार डॉक्टरों ने उन्हें सुझाव दिया कि अब किडनी ट्रांसप्लांट ही मात्र एक उपाय बचा है। डायलिसिस में भी उन्हें बहुत परेशानी होती। फिर हमारे पड़ोसी ने हमें सलाह दी कि मॉडर्न होम्योपैथी कर, जो कि कोल्हापुर में स्थित है, वहां जाकर इनका इलाज करवा। अगस्त 2016 में मरीज ने मॉडर्न होम्योपैथी से इलाज करवाना शुरू किया और इलाज के एक ही महीने के दौरान मरीज की तबीयत में बदलाव दिखने लगा। उनकी सारी परेशानियां एक एक करके ठीक होती गईं और वे एकदम ठीक हो गए। और मुझे काफी फर्क पड़ा। मैं स्कूल में जो टिफिन लेकर जाता था वो टिफिन भी पूरा खत्म करने लगा, पेट भर के खाता था। घर पर मैं बिल्कुल खा नहीं पाता था और इसी तरह फर्क दिखने लगा। और होम्योपैथी की दवाइयों से मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखने लगा। उनके नए रिपोर्ट्स के अनुसार उनका हीमोग्लोबिन बढ़कर 14.20 हो गया था, उनका क्रिएटिनिन 2.9 था और ब्लड यूरिया कम होकर 72 हो चुका था। मार्च 2017 से उनका डायलिसिस पूरा बंद कर दिया गया और अब उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की भी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इस बीमारी से बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, खाना भी ठीक से खाता हूँ, जी नहीं मचलता, उल्टियाँ नहीं होती, बाकी कोई भी पेन नहीं होता, अच्छे से मैं मेरी जिंदगी गुजार रहा हूँ। मिस्टर लोंढे मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज के बाद एक खुशहाल और स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं।